हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लोटस आर्ट एंड डिज़ाइन। आज की ये वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पॉट पेंटिंग, जो हम अलग अलग टाइप के पॉट पेंटिंग्स यहाँ पे करेंगे। फर्स्ट ये पॉट पेंटिंग करने के लिए मैंने लिया है एक माटी का पॉट। ये आपको किसी भी पॉटर के पास मिल जाएगा, ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। और बेस में हम लोग लगाएंगे एक्रेलिक कलर, मैंने वाइट कलर का लिया है और आप जिसो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक ही कोट दे रही हूँ कि मेरे पास थोड़ा कम बचा था, इसके लिए मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करना चाहूँगी, दो कलर में डिवाइड करना है। इसके लिए मैं इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। उसके बाद मैं ले रही हूँ ये ऑरेंज कलर और इसको मैंने बनाया है थोड़ा सा गाढ़ा, पतला नहीं बनाना है। आप कोई भी मिट्टी के बर्तन पे अगर कलर अप्लाई करोगे तो उसको थोड़ा सा काढ़ा कर देंगे तो वो अच्छी तरह हो जाएगा। मिक्स करने के लिए आप यूजुअली यूज कर सकते हैं डैबर, डैबर से बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। ठीक है, कलर सूखने के बाद उसके ऊपर मैं दे दूंगी पार्टीशन करने के लिए। मुझे येलो कलर देना था, इसके लिए मैंने सोचा येलो कलर ज़्यादा अच्छा दिखेगा, ओके दिखेगा। अब हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एक्रेलिक का वाइट कलर। आपको जो डिज़ाइन ड्रॉ करना है वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ मैं एक सिंपली एक पेन की हेल्प से मधुबनी आर्ट टाइप एक डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है मधुबनी आर्ट, आपको जो अच्छा लगता है वो आप ड्रॉ कर सकते हो। डिज़ाइन मैं फिनिश करूँगी ब्लैक मार्कर पेन से, मैंने परमानेंट मार्कर यूज किया है। ऊपर के साइड में हम लोग लगाएंगे येलो कलर जो सूट करेगा नीचे के जो कलर्स की हम लोगों ने यूज़ की है उसको। और फाइनली वॉर्निश यूज़ करना मत भूलिए, वॉर्निश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर आर्टवर्क टू कीप इट लास्ट लॉन्ग। एंड फाइनली अवर ब्यूटीफुल पॉट इज रेडी।
नेक्स्ट हम बनाएंगे ये छोटे साइज के ब्यूटीफुल पॉट्स। ये काफ़ी क्यूट है और बहुत छोटे साइज के हैं और हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं कलर करना। अगेन हम लोग लगाएंगे बेस में जेसो, अगर जेसो नहीं है तो आप एक्रेलिक का वाइट कलर भी दे सकते हो। मैंने इसके बेस में दिया है रेड एंड स्किन कलर का एक्रेलिक कलर। हम लोग अभी इसके ऊपर डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। मैंने इसके ऊपर एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन करने के लिए थॉट किया था। डिज़ाइन ड्रॉ करने के बाद मैं ब्लैक एक्रेलिक कलर के ब्रश से उसको फाइनल कर दूंगी। ये हमारा पॉट रेडी हो गया है। मैं बाकी के पॉट भी हम लोग इसी टेक्निक से यूज़ करेंगे और मेक श्योर आप अगर वाइब्रेंट यूज़ करोगे कलर्स तो ज़्यादा अच्छे दिखेंगे। सो बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे, काफ़ी अच्छे लगे। और लास्ट में इसको वॉर्निश यूज़ करना मत भूलिए। प्लीज़ चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द प्रोडक्ट लिंक्स, ऑल द प्रोडक्ट लिंक्स आर देयर। कुछ मैंने लोकल मार्केट से खरीदी है और कुछ मैंने ऑनलाइन लिए है। Forget to use varnish for this artwork. Finally, this beautiful pot is ready. I hope आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। Please मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। Please subscribe to my channel if you are new to my channel. And तब तक के लिए take care and bye bye.